हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन टुडे विल बी डिस्कस अबाउट डिग्री ऑफ़ कॉरिलेशन डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होता है कैसे हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन है आंसर देखकर हम कैसे ये बता देते हैं कि हाई डिग्री है मॉडरेट है या लो डिग्री है और इनका मीनिंग क्या होता है किस तरह से इनको मेजर किया जाता है आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे तो कोरिलेशन 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 हमें क्या बताता है टू वेरिएबल्स या मोर देन टू वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है पॉजिटिव है नेगेटिव है ये हमें कौन बताता है कोरिलेशन बताता है अगर आंसर हमारा पॉजिटिव में आता है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है और अगर आंसर हमारा नेगेटिव में आता है तो नेगेटिव कोरिलेशन है यहाँ पे गलत लिखा पॉजिटिव प्लस वन होता है और नेगेटिव माइनस वन होता है ठीक है परफेक्ट कोरिलेशन परफेक्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है परफेक्ट जो चीज़ हंड्रेड परसेंट हो उसे हम क्या कहते हैं परफेक्ट तो वही मीनिंग इसका कोरिलेशन में निकलता है परफेक्ट कोरिलेशन यानी कि हाईएस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू कोरिलेशन की क्या होती है वन और सबसे लोवेस्ट वैल्यू यानी कि अपसेंस बोल सकते हैं वो कोरिलेशन की क्या होती है जीरो इट मीन्स कोरिलेशन प्लस वन टू माइनस वन के बीच में वैरी करता है तो माइनस वन से प्लस वन तक हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं किसकी कोरिलेशन की अगर हमारा आंसर प्लस वन में आया है तो पॉजिटिव क्योंकि प्लस है और वन है इसलिए परफेक्ट तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हमारा कब होगा जब हमारा हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी प्लस वन और नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन जब हमारी वैल्यू नेगेटिव में होगी और परफेक्ट का मीनिंग क्या हुआ वन तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि परफेक्ट में वन क्यों आता है क्योंकि ये हाईएस्ट डिग्री होती है और हाईएस्ट डिग्री हम परफेक्ट हम किसको मानते हैं जो हाईएस्ट होता है तो इसीलिए परफेक्ट पॉजिटिव में पॉजिटिव वन होती है और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में माइनस वन वैल्यू होती है उसके बाद हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन अगर जो हमारी वैल्यू है जीरो पॉइंट सेवन फाइव टू प्लस वन तक वेरी करती है यानी कि प्लस वन से कम है और ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव से ऊपर है तो क्या है हाई डिग्री ऑफ़ कोरिलेशन है अगर वैल्यू पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन नेगेटिव में है तो नेगेटिव हाई डिग्री कोरिलेशन उसके बाद मॉडरेट डिग्री ऑफ़ कोरिलेशन मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होता है जब वैल्यू जीरो पॉइंट टू फाइव टू जीरो पॉइंट सेवन फाइव के बीच में फैरी करती हैं अगर वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन पॉजिटिव हो जाएगा अगर नेगेटिव में आएगी तो नेगेटिव मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन हो जाएगा लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन जब टी जीरो टू जीरो पॉइंट टू फाइव के बीच में हमारी वैल्यू आती है अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव लो डिग्री ऑफ कॉरिलेशन हो जाएगा नेगेटिव में है तो नेगेटिव लो डिग्री ऑफ कॉरिलेशन हो जाएगा अब सेंस ऑफ कोरिलेशन का मतलब क्या होता है जब कोरिलेशन है ही नहीं यानी कि कोई भी रिलेशन नहीं है तो अगर जीरो वैल्यू आती है तो उसका मतलब क्या है अब सेंस ऑफ कोरिलेशन है और अब सेंस ऑफ कोरिलेशन है इट मींस ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है को, कोई भी हमारा कोरिलेशन है ही नहीं यानी कि कोरिलेशन अनुपस्थित है अपसेंट है तो ये थी हमारी डिग्री ऑफ़ कोरिलेशन को किस तरह से आंसर्स के बेस पर हम बता सकते हैं कि हमारा परफेक्ट कोरिलेशन है हाई डिग्री कोरिलेशन है मोटे डिग्री कोरिलेशन है लो डिग्री ऑफ कोरेशन अफसल सफल कोरिलेशन है तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आंसर्स के बेस पर हम ये बताते हैं कई बार इनकी डिग्रीज इनकी वैल्यूज़ भी पूछ ली जाती हैं कि अगर आंसर हमारा आता है जीरो पॉइंट टू फाइव प्लस तो वो कौन सा डिग्री ऑफ़ कोरिलेशन है तो वो मॉडरेट डिग्री ऑफ़ पॉजिटिव मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन के अंदर आएगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू